Assalamualaikum everyone, welcome back to my YouTube channel. और जनाब जैसे कि आप सब से वादा किया था कि प्रोडक्ट का रिव्यू दूंगी डिटेल में, तो इसी प्रोडक्ट रिव्यू के हवाले से जो है वो आज की वीडियो. और आप यकीन माने कि इतना ज़बरदस्त ये प्रोडक्ट है कि यू विल थैंक मी लेटर. और जनाब अब आप सोच रहे होंगे कि ये कौन सी प्रोडक्ट के बारे में बात करी है, तो अगर आप मेरा इंस्टाग्राम फॉलो करते हैं तो आप जानते होंगे मैं किस प्रोडक्ट के बारे में बात कर रही हूँ. और अगर आप नहीं फॉलो करते तो आई सजेस्ट कि फॉलो करना शुरू कर दें ताकि आप अपडेट रह सकें मेरी हर पोस्ट से और मेरी हर प्रोडक्ट जिनके हवाले से मैं बात करती हूँ अपने ब्लॉग पर और अपने चैनल पर. तो प्लीज़ स्टार्ट फॉलो Vogue and Vibes of me and plus subscribe to my YouTube channel. So let's just start our video. और जनाब आज मैं MK Organics की प्रोडक्ट को डिटेल में रिव्यू करूँगी. इस प्रोडक्ट की पोस्ट जब मैंने अपने ब्लॉग पर डाली तो मुझे बहुत सारी लड़कियों के मैसेजेस आए, बहुत क्वेरीज थी कि इस दिस प्रोडक्ट इज एक्चुअली इफेक्टिव, हमें स्पेंड करने चाहिए पैसे, हमें इसको खरीदना चाहिए. क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सी लड़कियां जो है वैक्सीन करवाती हैं, वैक्सीन पे ही फोकस हैं और उनको लगता है कि वैक्सीन जो है वो हेयर ग्रोथ को बहुत कम कर देती है. एंड आई एग्री विथ दैट पॉइंट. बट मैंने जैसा कि आप लोग अगर मुझे फॉलो करते हैं या मेरी वीडियोस को देखते होंगे तो आप ये जानते होंगे मैं वैक्स पर्सन नहीं हूँ और मैं जो हूँ वो रेजर पर्सन हूँ. सो एक्चुअली मैं मुझे जब ये प्रोडक्ट एज अ पीआर रिसीव हुई तो आई थॉट अब इसको कैसे रिव्यू करना है, क्योंकि झूठ मैं नहीं बोल सकती. और जब तक किसी प्रोडक्ट को मैं यूज़ ना करूँ मैं कैसे उसके बारे में बोल दूँ. मैंने जुगाड़ लगाने की कोशिश की और मैंने सोचा किस तरह इसको यूज़ कर सकती हूँ, इसके इफेक्ट्स बेनिफिट्स आप लोगों के साथ शेयर कर सकती हूँ एंड देन मैं आपको रिकमेंड कर सकती हूँ ऑनेस्टली. सो यस, मैंने थोड़ी सी जुगाड़ लगाई और मैंने सोचा कि यार मैं कोकोनट ऑयल यूज़ करती हूँ अपने फेशियल हेयर रिमूव करने से पहले. सो व्हाट दिस ऑयल इज पोस्ट वैक्स ऑयल. तो वैक्स करने से पहले इसको यूज़ करना है ताकि आपकी वैक्सिंग प्रोसेस जो है वो बहुत अच्छी स्मूथ हो. तो मेरे जहन पे एक आइडिया ये क्लिक हुआ कि मैं रेजर करने से पहले इसको यूज़ करूँ, क्योंकि मैं कोकोनट ऑयल भी सेम पर्पज के लिए यूज़ करती हूँ ताकि मेरी स्किन जो है वो बम्पी ना हो, कट्स ना लगे, इरिटेट ना हो. सो या आई स्टार्ट यूजिंग दिस एज रिमूविंग माई फेशियल हेयर एंड वोला दिस वर्क्स एंड दिस इज अमेजिंग प्लस हाफ ऑन द प्राइस. द ऑयल आई यूज इज इट कॉस्ट 1500 to 1500 एंड मोस्टली अवेलेबल ही नहीं होता, बहुत बड़ी सुपर मार्केट्स पर आपको मिलेगा एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल असली इम्पोर्टेड. सो या बिल्कुल प्राइस भी कट डाउन हो गई, प्रोडक्ट काम भी सेम पर्पज के लिए कर रहा है. सो या वाई नॉट, आई एम लविंग दिस प्रोडक्ट एंड आई टोटली रिकमेंड टू गर्ल्स. इवन तो अगर आप वैक्स पर्सन नहीं हैं तो आप जैसे मेरी तरह रेजर पर्सन है तो आप इसको यूज करें बिफोर रेजर, आप इसको अप्लाई कर. चले स्टार्ट करते हैं इसका एक थोड़ा सा डेमो. पर एक और कंप्लेन है, एक ही कंप्लेन है मुझे इस प्रोडक्ट से. आई लव द पैकेजिंग ऑफ MK ऑर्गेनिक्स, आई एम नॉट कंप्लेनिंग एट ऑल. पर ये मुझे लगता है इनको इसके पंप पे काम करना चाहिए, ये पंप काम नहीं करता, बहुत मुश्किल से ऑयल निकलता है. सो आई गेस कि थोड़ा सा देखें इस प्रोडक्ट की पैकेजिंग को, बहुत इजी वे है, पंप मुझे पसंद आया पर ये पंप काम नहीं करता, बहुत प्रेस करने के बाद ऑयल निकलता है. सो दिस इज द ओनली कॉन एंड आई लव द सोफिस्टिकेटेड एंड मिनिमलिस्ट पैकेजिंग. सो या आई लव एवरीथिंग अबाउट द प्रोडक्ट. एक छोटा सा कॉन मैंने आपसे शेयर किया है जो कि मुझे इसके पंप के हवाले से है, तो आई होप कि ब्रांड इसको जो है ओवरलुक ना करे और इसको देखे कि इससे जो है खरीदने के बाद जो है वो कस्टमर्स को प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े. एंड लेट्स जस्ट मूव ऑन टू द डेमो. थोड़े से मेरे यहाँ फेशियल हेयर्स आए हुए हैं, मैं आप लोगों को जो है वो यूज़ करके दिखाऊंगी कि मैं कैसे अपना फेशियल हेयर इस प्रोडक्ट को यूज़ करते हुए रिमूव करी हूँ. जी बिल्कुल, थोड़े से जो है वो ड्रॉप जो है मैंने लगा लिए हैं और मैं इसको हल्का सा अपनी स्किन पे मसाज कर रही हूँ. इसकी स्मेल बहुत अच्छी है अगर आप देख रहे हो. मैंने अभी MK ऑर्गेनिक्स का ऑयल लगाया हुआ है और ये आप देख रहे होंगे कितने इजीली ये मेरे फेशियल हेयर रिमूव हो रहे हैं. अच्छा जी, अगर आपने कंप्लीट प्रोसेस की वीडियो देखनी है या देखना चाहते हैं
कि किस तरह घर पे अफोर्डेबल तरीके से फेशियल हेयर रिमूव कर सकते हैं विदाउट हैविंग सेंसिटिव इरिटेटिंग और बम्पी स्किन, तो गो एंड वॉच माई वीडियो, वो मेरे प्लेलिस्ट में है, तो उसको जरूर चेकआउट कीजिएगा। ये मैं सिर्फ आपको एक डेमो देना चाह रही थी। देखिए रेजर करने के बाद भी मेरी स्किन जो है वो कितनी स्मूथ बेबी स्किन हो रही है मैं बता नहीं सकती आपको, शायद कैमरे में इतनी फील ना हो पर मुझे हाथ लगा के फील हो रही है। सो आई लव दिस प्रोडक्ट एक्चुअली, में मतलब मैं झूठ नहीं बोल रही, आई लव दिस प्रोडक्ट एंड थैंक यू फॉर सेंडिंग दिस माई वे एम के ऑर्गेनिक्स। आई एक्चुअली डोंट नो कि इसको कैसे यूज करना है क्योंकि इसमें मेंशन ये था, पर हर चीज़ की जुगाड़ होती है, हर चीज़ को आपने टाइम देना होता है, सोचना पड़ता है। ज़रूरी नहीं है कि एक चीज़ एक ही चीज़ के लिए स्टिक टू हो, तो बहुत सी चीज़ें जो है वो आप इधर उधर करके जो है वो यूज़ कर सकते हैं, अपना दिमाग लड़ा सकते हैं। वैसे ही क्वारंटाइन पीरियड चल रहा है, सो अपना दिमाग जो है वो यूज़ करें और अच्छी अच्छी स्किन केयर DIYs खुद भी शेयर करें, मुझे भी बताएं अगर आप खुद जानते हैं अच्छा है। सो दिस प्रोडक्ट इज कॉस्ट आई गेस 550 रुपीज, और मुझे श्योर नहीं है, आपको इनकी साइट का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जरूर मेंशन करूंगी, आपने इनकी साइट पे जाना है अगर आप ऑर्डर करना चाहते हैं। ये उन तमाम लड़कियों के लिए जिन्होंने मेरी ब्लॉग पोस्ट देखने के बाद मुझे बहुत सारे DM किए और तब मैंने उनका जवाब जो है वो तफसील से नहीं दिया क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं अपनी वीडियो पे डिटेल डेमो करके दिखाऊं, और कोई भी चीज़ जो है ना वो हकायक के बगैर बुरी लगती है कि मैं उनको बोल दूं हाँ जाओ खरीद लो यार और बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन मैं चाहती थी कि मैं जो हूँ वो आप लोगों को दिखाऊं कि कितनी इफेक्टिव है, अफोर्डेबल है, लोकल है, इजीली अवेलेबल है। यार मैं अपना कोकोनट ऑयल ढूंढने के लिए कभी कभार मुझे आगा सुपरमार्केट तक जाना पड़ता है, नहीं मिलते सुपरमार्केट्स पे, शॉर्ट होते हैं, कभी कभार होते ही नहीं, प्राइजेस इतनी एक्सपेंसिव हैं। सो या दिस इज माई न्यू फेवरेट एंड आई होप यू लाइक दिस रिव्यू एंड दिस वीडियो एंड आई होप यू लाइक मी। प्लीज सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल, नहीं करते आप ऐसे ही निकल जाएंगे मुझे पता है, बट ट्रस्ट मी, क्लिक द बटन, क्लिक द बेल बटन, सपोर्ट माई चैनल, सपोर्ट मी। आई लव यू ऑल एंड आई कीप मेकिंग सम ऑनेस्ट रिव्यूज एंड सम गुड वीलॉग्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। अल्लाह हाफिज़।